देख, 1000 point. अरे रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते. अरे सर बिजी है. रुके सर, हमारी मीटिंग का कुछ अता पता नहीं है सर. एक मिनट, आराम से बताइए बात क्या है. सर हम हर जगह पे खोज रहे मीठी को, हमें कहीं नहीं मिली मीठी. सर ये मीठी है कौन? सर मीठी मीठी हमारी बच्ची है सर. सर आप प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज. मम्मी, भैया जल्दी अंदर आओ. अरे क्या हुआ भैया? देखो हाँ, अरे सर हमने रोज की तरह उसे नहलाया, तैयार किया और फिर सुला दिया. उसको सुलाते सुलाते कब हमारी आग लगे हमें पता ही नहीं चला. जब हम उठे तो मिठी मिठी सर हम गलती से घर का दरवाजा बंद करना भूल गए. सर पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ है, कौन हमारी बच्ची को ले गया. प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढे ना, हमें बहुत डर लग रहा है. पता नहीं भास्कर इसे कब उठा लाया, इसकी सांस भी नहीं चल रही है, लगता है मर गई है. दीपक तू ही बता क्या करें. राजेंद्र भैया आप हमारी माने तो आप सीधा पुलिस के पास जाएं और पुलिस को सब सच बता दें. हाँ भैया दीपक जी सही कह रहे हैं. अरे क्या सही कह रहे हैं, बड़ी आई पति के हाँ में हाँ मिलाने वाली माँ. पर आपके पास इसके अलावा और चारा क्या है? देख हम सब चारा निकालेंगे, बस तुम इस बारे में किसी से बात मत करना. और तुम अभी के अभी सामान पैक करो और दीपक के पास आसाम चले जाओ. अरे जाओ ना, निकलो. और तुम क्या बड़े होकर के हर वक्त छोटे से सलाह मांगते रहते हो? पर दीपक तो सही सलाह दे रहा है ना माँ. अच्छा क्या सही कह रहा था? क्या कहेंगे हम पुलिस से कि भास्कर इसे यहाँ उठा लाया और खेली खेल में मार दिया? तो पुलिस पापा हमें मिट्टी के साथ चलो. सर ये हमारा घर है, मिट्टी यहीं अंदर थी. निशा अंदर देखो तुम. शर्मा आसपास पूछताछ करवाओ, शायद किसी ने कुछ बिजनेस किया हो. साहब अक्सर हमारी दुकान दोपहर में बंद रहती है, लेकिन दोपहर दुकान बंद करते समय हमने विक्रम के घर से किसी को आते जाते नहीं देखा. पक्का किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं साहब नहीं देखा हमने. ठीक है, अगर कुछ भी याद आए या पता चले हमें जरूर बताना. ठीक है साहब. सरोज तुम आ जाके उन घरों में. और तुम बिल्कुल समझ नहीं रहे हो कि हम क्या है. अम्मा हम सब समझ रहे हैं, आप ही गरिमा जी अभी हम थोड़ा बिजी हैं, आपसे थोड़ी देर में बात करें. सॉरी राजेंद्र जी हमने आपको डिस्टर्ब किया. वो हमने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपको सूट कैसा लगा. आप पीछे आवाजें कैसी है, सब ठीक तो है ना? ले जाओ इसे. एक्चुअली गरिमा जी वो घर में थोड़ा सा हम पर यहाँ मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा है और तुम अपनी मंगेतर के साथ बतिया रहे हो. आप ही के कहने पे हम इस उम्र में घोड़ी पे चढ़ रहे हैं और आप हो कि हमें. अच्छा अगर पहले ही चढ़ जाते ना तो भास्कर को माँ मिल जाती और वो ये सब ना करता जो उसने अब किया है. माँ ये सब उसने बचपने में किया है और अगर हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे बताने के लिए तो सब के सब फंसेंगे. और क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है? शैलेश जी आप हमारे जवाई हैं, आप ही बताइए हम क्या करें. माँ हम क्या बोले. मम्मी किनसे पूछ रही हो आप? ये तो सीधा पुलिस के पास ही जाएंगे, इन्हें तो मौका मिल गया हम सबको बदनाम करने का. तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती? माँ आपको जो ठीक लगता है ना वही कीजिए, हम आपके साथ हैं. ये तो हमारी बच्ची को लेके जा रहे हैं. ये हमारी बच्ची कौन हो सकता है? सर समझ नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है ये. सर अभी अभी हनुमान चौक के बीच चौकी से फोन आया था, इस आदमी को अपनी बाइक पे हनुमान चौक के एक सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर किया गया. इसके साथ कोई बच्चा नहीं था लेकिन इसके कंधे पे एक बैग था, हो सकता है उसने मिट्टी को उस बैग में रखा. उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को मंगा लिया. सर हनुमान चौक हनुमान नगर में है ना? सर वहाँ मेरे पहले पति का घर है.
जी, हमें घर की तलाशी लेनी है। देखिए सर, बिना सर्च वारंट के आप ये सब नहीं कर सकते हो। सर्च वारंट है हमारे पास। शर्मा, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखिए सर, आप तो चलिए सुनिए, बताइए तो सही बात क्या है। आपकी बहू रितु ने कंप्लेंट लिखवाई है, उसे शक है कि उसकी बेटी मीठी आपके घर पे है। सर, मीठी या नहीं है, रितु ने हम पे झूठा आरोप लगाया है। अब झूठा आरोप है या सच्चा, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। आप हमें अपना काम करने दीजिए। सर, हम आपसे कह रहे हैं यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, मीठी नहीं है यहाँ पे। सर, घर में मीठी है और कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन ये बच्चों का डायपर है, वो भी यूज्ड। सर, डायपर मिला इसका मतलब ये तो नहीं है कि मीठी भी यहाँ है। लेकिन आपके घर में हमें कोई ऐसा छोटा बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा जो ये डायपर इस्तेमाल करता हो। हाँ सर, पर रितु यहाँ अक्सर आती है भास्कर से मिलने, और मीठी भी उसके साथ होती है, वही छोड़ गई होगी। रितु यहाँ आती है जी? ये भास्कर कौन? सर, भास्कर ये रितु और राजेंद्र का बेटा है, और इसी से मिलने रितु यहाँ आए दिन आती रहती है। अभी दो दिन पहले भी वो यहीं थी, दो घंटे तक उसके साथ कमरे में बैठी थी, तब मीठी भी थी उसके साथ, तभी छूट गया होगा। भास्कर बेटा, ये फोटो ध्यान से देखो, ये मीठी ही है ना? क्या आज ये यहाँ आई थी, आपने देखा इसको? देखो बेटा, अगर तुमसे कोई भी पूछे ना मीठी के बारे में, तो किसी को मत बताना कि तुम मीठी को यहाँ लाए थे। हाँ, क्योंकि अगर तुमने किसी को बताया ना कि मीठी यहाँ थी, तो तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हारे पापा भी दूर हो जाएंगे। घबराओ नहीं बेटा। नहीं, नहीं देखा मीठी को, नहीं देखा, नहीं देखा हमने, नहीं। सर, कहा था ना हमने आपसे, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, मीठी है ही नहीं यहाँ। रितु ने इस फैमिली पे शक जताया है, वो झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन रितु ने ये भी बोला था कि जो आदमी बाइक पर दिख रहा है वो राजेंद्र नहीं था। लेकिन सर, ये भी तो मुमकिन है कि उस आदमी का इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन हो। अब ये तो तभी पता चलेगा जब उस किडनैपर की पहचान होगी। सर, सर, इस घर के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है, ना ही यहाँ किसी ने कोई सस्पिशियस नोटिस किया है। सर, जिस आदमी को हमने बाइक पे बैग के साथ देखा था, जिस पे हमें शक था कि वो मीठी को किडनैप करके गया है, उसकी फोटो को यहाँ किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन उस किडनैपर को यहाँ हनुमान चौक पे तो देखा ही गया था। आसपास पूछताछ जारी रखो, हो सकता है कुछ पता चले। ओके सर। नजदीक एक डंपिंग ग्राउंड से मिली। मिठी की हत्या दम घुटने से हुई, लेकिन यह हत्या किसने और किस इरादे से की थी, यह पुलिस के लिए भी एक रहस्य बन गया था। और पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया था। और वक्त के साथ साथ मिठी की हत्या से जुड़ा यह राज राजेंद्र और उसके परिवार ने अपने सीने की गहराइयों में दफन कर लिया था, और जिंदगी की नई शुरुआत में लग गए थे। लेकिन जिस घड़ी को वो एक नई शुरुआत समझ रहे थे, क्या वो वाकई में एक नई शुरुआत थी, या फिर किसी अनहोनी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी? हाँ, लगा दो भाई यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे लाइटिंग छोड़ना है। हाँ, और पिताजी, लाइट्स के बाद मिठाई वाले को मैं फोन कर दूंगा। ए सुषमा, आ गए लोग? आओ, दीपक जी आ गए। चंचल जी, आप परेशान मत होइए, अभी तो बस हम और चंचल ही आए हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। खुश। वो चाचा जी, एक्चुअली हम लोग सीधा आसाम से आ रहे हैं। माँ जी ने कहा था कि हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्टली यहीं पहुँच जाएं, तो हम लोग यहीं आ गए। तो राजेंद्र जी कब तक आएंगे? जी भैया से हमारी एयरपोर्ट पे बात हुई थी, तो निकलने ही वाले थे, आने वाले होंगे वो भी। हाँ हाँ दीपक, हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, बोल दो उन लोग को, बस एक घंटे पहुँचने वाले हैं। हाँ भैया ठीक है, लेकिन आपने अपनी सेल्फी नहीं भेजी हमें अब तक। हाँ हाँ, भेजता हूँ, तू टेंशन मत ले। अरे ये फोटो। अरे राम, राम कहाँ रह गया? राम, अरे भाई, ए राम इधर आओ। अरे भाई, जब देखो फोन पे ही बतियाते रहते हो, आ जाओ, जरा ये फोटो खींचो फटाफट। घर से फोन आ गया था। कोई बात नहीं। चलो लीजिए। चलो आप लोग गाड़ी में बैठो, आइए, आ जाओ फटाफट बैठिए।
साहब जी एक मिनट। हाँ जल्दी बात करके आओ। ठीक ठीक। अरे सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? लेकिन निशा दीदी नहीं दिख रही इसमें। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। क्या हुआ दीपक जी, किसी से बात हुई क्या? नहीं, ना ही मम्मी का फोन लग रहा है, ना ही भैया का, ना ही शैलेश जी का। एक काम कीजिए ना, निशा जी का नंबर लगा लीजिए। नहीं, उनकी तबीयत खराब थी तो वो घर ही रुक गई हैं। दीपक जी, क्या हुआ, कुछ बात हुई उनसे? जी बात तो नहीं हो पाई है, हमें लगता है शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। हम देख के आते हैं। हाँ आते हैं। हाँ दीपक, कुछ पता चला? निशा दीदी, हम गाजियाबाद से मेरठ तक पूरे रास्ते उन्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। दीपक, रास्ते पे ढूंढने से कुछ नहीं होगा, हमें तो सीधा सीधा उस राम पे शक जा रहा है। अरे वही ड्राइवर। क्या? अरे इसको कुछ अता पता ही नहीं है और ना ही फोन उठा रहा है वो। राम उन लोगों के साथ घर से नहीं निकला था? नहीं, राजेंद्र भैया खुद ड्राइव करके गए हैं। और भैया से जब हमारी बात हुई उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। क्या नाम बताया आपने अपने भाई का? राजेंद्र शर्मा। आपका भाई राजेंद्र और आपकी माँ कमला हनुमान नगर में रहते हैं? जी सर। सर सर, हमारे भाई के साथ उनके बेटे भास्कर, हमारे जीजा शैलेश जी और हमारी माँ थी। सर शाम 4 बजे वो लोग मेरठ से गाजियाबाद के लिए निकले थे। हम जानते हैं इन्हें। आपके भाई की पहली बीवी रितु ने मिठी के मर्डर का इल्जाम लगाया था इन पे। उसके घर वाले ये काम जरूर कर सकते सर, वो आपसे बहुत चिढ़ते थे। लेकिन तब आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। हम मिलिट्री में है सर, फिलहाल आसाम में पोस्टिंग है सर। प्लीज हमारे भाई को ढूंढिए जल्दी। हम पता कर रहे हैं। राजेंद्र की गाजियाबाद में कहाँ सगाई होने वाली थी? गाजियाबाद वैशाली में, करीमा भाभी के घर पे। और कौन सी गाड़ी से गए थे आपके भैया? सर व्हाइट कलर की SUV थी, UP XX621D नंबर है सर। सर वो जब घर से निकल रहे थे तो ड्राइवर को कुछ काम आ गया तो हमारे भाई खुद ही ड्राइव करके आ रहे थे। अब ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ सर, उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। ठीक है, ड्राइवर का नाम, फोन नंबर, एड्रेस तीनों दो हमें। हाँ जी सर। हेलो सर, ड्राइवर रामबिश के घर पे तो ताला लगा है। मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि रामबिश का तो पता नहीं लेकिन उसकी बीवी अपने बच्चे को लेकर जल्दबाजी में कहीं निकली है। हो सकता है राम का अपनी फैमिली के साथ गायब होने का प्लान हो। ये पता करो ये लोग कहाँ हो सकते हैं और राम की बीवी का फोन नंबर भी पता करो। ओके सर। मेरठ से गाजियाबाद के बीच हर सिग्नल, हर बीट चौकी पर उन तक पहुँचने के सिरे ढूंढ रही थी और इसी दौरान राजेंद्र का ड्राइवर रामबिश मेरठ के एक सरकारी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ चला गया था? हमारी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी साहब, इसलिए हॉस्पिटल चले गए थे साहब। ये लो दीपक, फिर से मजाक कर रहा है। साहब जी, हमारी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, हमारी बीवी उसको लेकर हॉस्पिटल गई है, हमको भी जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद ही गाड़ी चला लूंगा। धन्यवाद साहब। एक काम करो, पैसे रख लो और डॉक्टर क्या बोलता है बताना। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। तूने अपना फोन क्यों बंद कर रखा था? साहब हमारा फोन चार्ज नहीं था साहब, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं साहब। क्या बात?
शाम को दो लोग बाइक से बार बार घर का चक्कर लगा रहे थे। लीजिए लीजिए, चलो आप लोग गाड़ी में बैठो। आइए। किसके घर का? हरिंदर साहब का। कौन थे वो बाइक वाले? साहब वो लोग हेलमेट लगाए हुए थे, हम उनका चेहरा नहीं देख पाए और गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाए साहब, लेकिन हमको लग रहा था कि वो लोग घर पर नजर रखे हुए थे। तो तूने ये बात अपने साहब राजेंद्र को क्यों नहीं बताई? साहब बेटी की बीमारी को सुन के घबरा गए थे साहब, इसलिए हमको जल्दी जल्दी भी बताने का ध्यान नहीं रहा था साहब। कुछ छुपा तो नहीं रहा ना हमसे? नहीं साहब, कुछ भी नहीं छुपा रहे साहब। ये ड्राइवर राम के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, इसकी आज की सारी एक्टिविटीज पता करो, हो सकता है इसका हॉस्पिटल जाना अपनी एलिबाई खड़ी करने की कोशिश हो। जी सर। सर सर, राजेंद्र की गाड़ी आश्रम मेरठ से मोदी नगर गाजियाबाद रोड की तरफ आते हुए दो सिग्नल के सीसीटीवी में कैप्चर हुई है, ये उसकी फुटेज। ये देखिए सर, दो बाइक सवार लगातार राजेंद्र की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। हाँ साहब, यही दोनों थे उस दिन, ये बार बार घर के चक्कर लगा रहे थे। दोनों बाइकर्स ने हेलमेट पहने, लेकिन दोनों बाइक्स के नंबर विजिबल है। पता करो ये बाइक्स किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर बच्चा जिंदा है। संतोष, बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। सर गाड़ी में कोई क्लू नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा किसने किया होगा। फॉरेंसिक टीम का क्या अपडेट है? सर ऑन द वे। गाड़ी के अंदर हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन गाड़ी के बाहर ये पतले से टायर के स्किड मार्क्स हैं। देखने से ऐसा लगता है किसी स्कूटर या बाइक ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। सर क्या ये वो बाइकर्स हो सकते हैं जो गाड़ी का पीछा कर रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? राजेंद्र, राजेंद्र की माँ और जीजा को बेरहमी से मार दिया गया, तो फिर भास्कर के साथ ये दया क्यों दिखाई गई? ये सवाल बहुत जल्द इस केस की दिशा बदलने वाला था। जिन बाइक्स पर हमलावर राजेंद्र की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, पुलिस को वो बाइक्स गाजियाबाद नोएडा रोड पर मिली और ये पता चला कि ये दोनों बाइक्स इस हमले को अंजाम देने के लिए चोरी की गई थी। शर्मा, ये लोग जो भी थे प्रोफेशनल किलर थे, जरूर उन्होंने राजेंद्र के घरवालों को मारने की सुपारी ली होगी। लेकिन सर घरवालों में राजेंद्र के भाई और बहन दीपक और निशा, और दीपक की बीवी चंचल क्यों नहीं थी? मेरा मतलब है राजेंद्र अपनी सगाई के लिए जा रहा था, लेकिन निशा अपने घर पे बैठी हुई थी। दीपक और चंचल गाजियाबाद में गरिमा के घर पे थे। सर दीपक और उसके परिवार वाले आए, आपसे मिलना चाहते। भेजो। सर हम और चंचल आसाम से राजेंद्र भाई की सगाई के लिए आए थे। एयरपोर्ट पे उतरे तो माँ का फोन आया, माँ ने कहा हम सीधा गरिमा के घर चले जाएं। लेकिन आप तो मेरठ में ही थी, फिर आप अपने भाई की सगाई में क्यों नहीं जा रही थी? निशा तैयार नहीं हुई अब तक? आपने शैलेश को क्यों बुलाया? बेटा बड़े भाई की सगाई है तुम्हारी, जमाई को नहीं बुलाएंगे क्या? हाँ तो ठीक है, फिर उसके साथ ही जाओ, हम नहीं जा रहे। तुम पागल हो गई हो क्या? भाई की सगाई के दिन भी इस तरह से कलेश मचाओगी घर में? चलो उठो जल्दी से तैयार हो जाओ। निशा, माँ, माँ अगर निशा को हमसे कोई प्रॉब्लम है तो हम वापस चले जाते। नहीं नहीं शैलेश जी, इसे अगर नहीं चलना तो बेशक ना आए, आप हमारे साथ चलिए। क्यों गोंद की तरह चिपक गई हो हमारे साथ? हाँ समझ में नहीं आता कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते? निशा जान क्यों नहीं छोड़ देते हमारी? निशा हमें तुमसे बात करनी है। निशा हमें कोई बात नहीं करनी। निशा सर
उस दिन अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मम्मी ने बोला कि हम घर पर ही रुक जाएं। आप लोगों को किसी पे शक जो आपके परिवार वालों को मरवा दे? सर, हमें उस ऋतु पर शक हो रहा है, उसी ने मरवाया होगा हमारे घर वालों को। ऋतु आपके भाई राजेंद्र की पहली बीवी? जी हाँ सर। सर, ऋतु हमेशा से हमसे चिढ़ती आई है, उसे लगता है कि मीठी को भी हमने ही मरवाया है। कहाँ ले जा रही हूँ इसे? तुम लोगों ने मीठी को मारा और अब हमारा बच्चा हत्यारों के साथ नहीं रहेगा। क्या पता कल को तुम इसे भी मार दो। पागल हो गई हो तुम? हम मारेंगे भास्कर को? हाँ, भूल गई हो, तुमने छोड़ के गई थी इसे और कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी हम पर सौंपी है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। ठीक है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, हम हमारे बच्चे को यहां से लेकर ही जाएंगे और ये भी साबित कर देंगे कि मीठी को तुम लोगों ने ही मारा। लेकिन सर, वो कुछ साबित ही नहीं कर पाए, शायद इसी प्रेस स्टेशन में रितु ने हमारे घर वालों को मरवाया हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो रितु और राजेंद्र में डाइवोर्स हो गया? सर, डाइवोर्स रितु भाभी ने मांगा था राजेंद्र भैया से। सर, उन्होंने राजेंद्र भैया से शादी तो कर ली, लेकिन उन्हें कभी पसंद नहीं किया। हमारी कुंडली जरूर मिल गई, लेकिन तुम बिल्कुल भी वैसे पति नहीं हो जैसा हम चाहते थे। जब हम पसंद नहीं थे तो शादी के लिए हाँ क्यों बोली? हमारे घर वालों के सामने हमारी नहीं चली और हमें लगा था कि शादी के बाद हम तुम्हें बदल देंगे, लेकिन तुमने तो अब तक कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं सीखा। भैया अपना दर्द हमसे शेयर किया करते थे। माँ को लगता था कि भास्कर के पैदा हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सर सच ये था कि ऋतु भाभी का पहले से ही विक्रम के साथ अफेयर था। सर, ऋतु भाभी ने विक्रम के लिए भैया को ही नहीं बल्कि भास्कर को भी छोड़ दिया था। भैया बुरी तरह से टूट गए थे सर। सर, भैया ने अपने आंसू कभी भी किसी को नहीं दिखाए और सब कुछ भूल कर अपने आप को बिजनेस में एंगेज कर लिया। अभी थोड़े टाइम पहले ही माँ ने भैया के लिए गरिमा भाभी को पसंद किया। तो राजेंद्र और गरिमा की एंगेजमेंट दोनों फैमिलीज की रजामंदी से हो रही थी? जी सर। गरिमा, हमारी जनरेशन तुमसे 20 साल पीछे है, मतलब तुम्हारी एज 22 की है और हम 42 के हैं। तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको है तो आप बता दीजिए। एक है। क्या? माँ ने तुमसे बताया होगा कि भास्कर, क्या तुम एक 10 साल के बच्चे की माँ कहलाना पसंद करोगी? आपने बिल्कुल सही कहा था, हमारी और आपके जनरेशन में वाकई बहुत फर्क है। पर पता है आपको, आपके जनरेशन के लोग उम्र वम्र के बारे में बहुत सोचते हैं, पर हमारी जनरेशन में ये सब बातें ओल्ड फैशन कहलाती है, हमारे लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती। गरिमा अपने से 20 साल बड़े राजेंद्र की सिर्फ बीवी ही नहीं बल्कि राजेंद्र के 10 साल के बेटे की माँ भी बनने वाली थी और ये शादी वो अपनी खुशी से करना चाहती थी, ये बात भी इतनी सहज नहीं थी। राजेंद्र के भाई दीपक और बहन निशा ने ऋतु और उसके दूसरे पति विक्रम पर उन हमलों का शक जताया जिसकी पुलिस द्वारा पुष्टि की जा रही थी, लेकिन गलती राजेंद्र और राजेंद्र की माँ से भी हुई थी कि उन्होंने पुलिस से ये सच छिपाया कि मिठी की लाश भास्कर के पास देखी गई थी। राजेंद्र पर हुए हमले का क्या मिठी के मर्डर से कोई कनेक्शन था? क्या भास्कर जानता था कि मिठी को किसने मारा था और ये भी कि उसके परिवार पर अब किसने हमला किया था? भास्कर बेटा, क्या हुआ था कल आप लोगों के साथ? डरो मत बेटा, तुम्हें पता है ना, तो फिर बताओ हमें। बेटा संभल के। दो बाइक वाले आके सबको मार दिया सबको। भास्कर बेटा तू भाग, तू भाग बेटा, तू भाग, भाग बेटा, भाग जा, भाग, 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 भाग,
पर हम वहां से भाग गए। बच्चे को छोड़ी दो, पुलिस आ जाएगी, फंस जाएगी। चल जल्दी, चल चल। और थोड़ी देर बाद जब हम वहां पे गए तो सब लेटे थे सब। गंदे थे वो बहुत। बेटा आपने देखा उन बाइक वालों को? हेलमेट पहना था उन्होंने? दोनों ने। मीठी के मर्डर के बाद रितु ने भास्कर को कई बार अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, और इस बात के गवाह तो राजेंद्र के पड़ोसी भी। लेकिन शर्मा ये भी सच है, रितु ने अपने बेटे भास्कर को पहले पति राजेंद्र के पास छोड़कर विक्रम से शादी की, और मिठी के मर्डर का इल्जाम राजेंद्र और उसके परिवार वालों पे लगाया। हो सकता है उसी ने यह सब बदला लेने के लिए किया, क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि हमले में राजेंद्र का पूरा परिवार मर गया, लेकिन सिर्फ भास्कर बच गया जिसे रितु अपने साथ ले जाना चाहती थी। हो सकता है कि पूरी प्लानिंग रितु की। भास्कर लो कुछ खा लो, लो ये लो, लो थोड़ा खा लो। नहीं पापा जी। हाँ, पापा के पास लेके चलेंगे, पहले थोड़ा खा लो, लो। नहीं अच्छा थोड़ा सा तो खा लो, थोड़ा खा लो। पापा जी तू वैसे ही इतना परेशान है, कुछ और परेशान कर रही है। हाँ तो क्या करे, परेशान कर रखा है इसने, खा ही नहीं रहा है। रितु को बोले इसे लेके जाए, वैसे भी उसी का बेटा है ना ये। पागल हो गई, अब जानती है ना उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो हमें भी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, बट हम नहीं संभालेंगे इसे। बेटा पापा को पता पड़ेगा आपने खाना नहीं खाया तो नाराज होंगे ना पापा। हमारे साथ थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खाते हैं फिर पापा के पास चलेंगे, ठीक है? सर हम मरते दम तक ये बात नहीं भूल सकते कि राजेंद्र के घर वालों ने हमारी मीठी को मारा था। लेकिन आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है सर, हमने वैसा कुछ नहीं किया। लेकिन राजेंद्र के घर वालों को मीठी को मरवा के मिला क्या? सर सताने वालों का कोई मकसद नहीं होता। लेकिन सताने वालों से बदला लेने का मकसद तो हो ही सकता है। सर आप हब्बर शक्कर हैं, हमारी बच्ची के कातिल को ढूंढने के बजाय आप हब्बर ही शक्कर हैं। सर आप राजेंद्र की फैमिली को नहीं जानते, खासकर उसकी बहन निशा, वो कुछ कम नहीं है। हाँ सर, मीठी के जाने के बाद रितु कानूनी तरीके से एक बार फिर भास्कर की कस्टडी लेने की कोशिश कर रही थी। कैसा कानूनी तरीका, और इस केस से निशा का क्या लेना देना है? सब बात यह है कि भास्कर की कस्टडी लेने से पहले हम एक बार राजेंद्र से बात करना चाहते थे, और उस दिन हम राजेंद्र के घर गए थे तो हमने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर हमने खिड़की से जागने की कोशिश की तो हमने देखा कि एक आदमी निशा के कमरे से निकलकर दूसरी खिड़की से कूदकर भाग गया। राजेंद्र दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। राजेंद्र कहाँ है? घर पर नहीं है वो। कहाँ गए? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें विक्रम मिल सकता है, हमारे भैया को कोई नहीं मिल सकती? सगाई करने गए हैं वो। चलो अब जाओ यहाँ पर, दिमाग मत खराब करो, चलो। अरे सर तभी हमें पहली बार पता चला कि राजेंद्र दूसरी शादी कर रहा था। लेकिन आपने जिस आदमी को खिड़की से कूदकर बाहर भागते हुए देखा वो आदमी कौन था? सर हमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन सर जरूर वो निशा का कोई आशिक होगा। आशिक? सर हमने उस घर में काफी वक्त बिताया और हम निशा को अच्छी तरह से जानते। उसके अपने पति से बिल्कुल भी नहीं जमती थी, इसलिए वो हमेशा मायके में आके पड़ी रहती थी, और माजी तो हमेशा उसका घर बसाने की कोशिश करती थी। सर हमें तो शक है कि निशा और उसके आशिक ने मिलकर ही शैलेश को मारने की कोशिश की हो, और माजी और राजेंद्र बलि का बकरा बन गए हो। लेकिन भास्कर तो बच गया। सर हम वही तो शुक्र मना रहे हैं कि हमारा बच्चा बच गया, लेकिन हम हमारे भास्कर को वहां नहीं रहने देंगे, वो अब हमारे साथ रहेगा। सर बुआ बात नहीं करना। देखो हमारा मूड मत खराब करो, अपने आप चले जाओ, जाओ।
बोला ना अपने आप चल जाओ। चंचल इसे बाथरूम लेके जाओ। ये लो जाओ। अच्छा ठीक है नहीं कर रहे जाओ। दीपक हम यहाँ नहीं रहना, वापस आसाम चलो। क्यों क्या हुआ? और चंचल वैसे भी हम अभी नहीं जा सकते हैं, देखो निशा और भास्कर को हमारी जरूरत है। दीपक हमें भास्कर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो निशा उनकी आवभगत नहीं होती हमसे। एक बार हॉल में जाकर देखो कैसे बैठ करके आराम फरमा रही है वो। उन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि माँ जी भैया और अपने पति की मौत का फर्क पड़ता है उन्हें। बस हमें नहीं रहना यहाँ पे, हमें जाना है। देखो चंचल समझ, निशा जी आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? जी। हाँ सर, उस दिन रितु घर पर आई थी जिस दिन राजेंद्र भैया सगाई के लिए गए थे। लेकिन रितु ने हमें बताया कि जब वो आपके यहाँ आई थी उसने खिड़की से किसी को कूद के बाहर जाते हुए देखा था। कौन था वो? खिड़की से कूद कर किसी को देखा था? जी। जब हम राजेंद्र भैया को फोन लगा रहे थे तभी हमने खिड़की से आवाज सुनी। जैसे ही हम खिड़की की तरफ बढ़े तभी डोरबेल बज गई और हमने देखा कि रितु आई हुई है। दरवाजा खोलो। राजेंद्र का घर पर नहीं है वो। लेकिन रितु ने तो बोला वो तुम्हारा लवर था। सर उस रितु का दिमाग खराब हो गया है। कुछ छिपा तो नहीं रही ना आप हमसे? लेकिन सर निशा दीदी आपसे क्यों छुपाएंगे कुछ? लेकिन आपकी निशा दीदी ने ये बात हमें पहले बताई भी तो नहीं। सर हमने किसी को देखा थोड़ी ना था, हमें लगा कि हमारा वहम है। लेकिन सर अब लग रहा है कि शायद रितु ने ही भेजा हो। वहाँ वो मम्मी और भैया को मरवा रही होगी और यहाँ घर पर हमारा मर्डर करवाना चाहती हो। शर्मा मान लो कि निशा ये सच कह रही है, उधर राजेंद्र और उसके घर वालों पे हमला हो रहा था और इधर निशा पे। सर क्या गारंटी कि निशा सच बोल रही है? ये निशा रितु और विक्रम तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो, तीनों पे नजर रखो। सर देखो हमको तुमसे बहस नहीं करनी, हम बस यहाँ भास्कर को लेने आए। क्यों उसे भी अपने साथ ले जाके मरवाना चाहती हैं आप? वो यहाँ पर रहेगा तो तुम लोग उसे मार दोगे। हम माँ है उसकी और वो अब हमारे साथ रहेगा। आपके साथ नहीं रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा। तुम भूल रहे हो कि कोर्ट ने हमें हमारे बच्चे से मिलने की इजाजत दे रखी है, तो तुम हमें भास्कर को ले जाने से नहीं रोक सकते, समझ गए? तो ठीक है अब पहले की तरह उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको वापस उसे यहीं लाना होगा। और देखिए प्लीज उसे आप वो सब बातें फिर याद मत दिलाइएगा, उसे अभी भी लगता है कि उसके पापा और दादी वापस आएंगे। उसे सच बता के आप परेशान मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है भास्कर बेटा आओ। विक्रम के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले कुछ दिनों से वो भगत से काफी बात कर रहा था। ये भगत है कौन? सर एक हिस्ट्री शीटर है, इसे लोग शेरा के नाम से भी जानते हैं। दो बार चोरी के लिए जेल भी जा चुका है। हो सकता है कि रितु और विक्रम ने इस कांड के लिए भगत को सुपारी दी हो। पता करो ये भगत इस वक्त होगा कहाँ, और ये रितु और विक्रम दोनों को लेके आओ। सर हम बाद में बात करते हैं। रितु रितु एक सेकंड आओ। क्या हुआ? एक सेकंड आओ ना। मैं
भास्कर को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? विक्रम कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारा बच्चा है। हमारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा है। मिठी हमारी बच्ची थी जिसे इसके बाप उसके घर वालों ने भास्कर? मिठी की किडनैपिंग और फिर हत्या से शुरू हुआ ये केस राजेंद्र राजेंद्र की माँ और जीजा शैलेश की हत्या के बाद अब भास्कर की किडनैपिंग से भी जुड़ गया। ये साफ था कि भास्कर मिठी के साथ हुए अपराध की लीड दे सकता था, तो क्या भास्कर की किडनैपिंग इसी राज पर पर्दा डालने के लिए हुई थी? सस्पेक्ट कई थे, लेकिन इसमें विक्रम और ऋतु की भूमिका क्या थी कि मिठी के बाद भास्कर की किडनैपिंग भी उन्हीं के घर से हुई थी? क्या राजेंद्र उसकी माँ और जीजा पर हुए जानलेवा हमले का भी ऋतु और विक्रम से कोई कनेक्शन था? क्या वो वाकई में कोई साजिश कर रहे थे या फिर वो खुद किसी साजिश का शिकार थे? इन सभी सवालों के जवाब के साथ कल इस केस के दूसरे और अंतिम भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.